सो हे गाइस, कैसे हो आप सारे? आप सबका स्वागत है वापस एयर ड्रिगन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बना सकते हो वेरी सिंपल शुगर केन फार्म। तो ये शुगर केन फार्म कुछ आपको बहुत सारे शुगर केन प्रोवाइड तो नहीं करेगा, पर जो आप सिर्फ शुगर केन को काटते हैं, जो उसमें टाइम लगता है, बस ये आपको उससे बचाएगा। ओके, क्योंकि ये खुद ही शुगर केन काट काट के आपके क्रेट में लाता रहेगा, और जिससे आपको शुगर केन काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यार ये यही काम करता है, और कि इससे आपका काम इजी रहता है। ओके, कि आपको शुगर केन काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको जाना है, चेस्ट ओपन करनी, शुगर केन निकालना है और पेपर बनाना है। आपको ये नहीं रहेगा कि भाई शुगर केन चलो काटो, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ओके, तो इसकी झंझट नहीं रहेगी। तो यार पिछली बार हमने बनाया था एक शॉपिंग टाइम, मतलब एक शॉप बनाई थी जिसके अंदर हमने ट्रेडर्स रखे थे। तो आज मैं आपको वो दिखाता हूँ, जैसे मैंने पिछली में कहा था कि मैं जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा जरूर दिखाऊंगा। तो चलो यार उसको भी देखते हैं। तो यार ये रहा वो बेस। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से जितने भी ट्रेडर थे सारे विलेजर्स को हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। ऐसे अभी सिंपल सा रूम रह गया सिर्फ। अभी चलो मैं दिखाता हूँ, मैं रूम में जाकर दिखाता हूँ। मैंने सब कुछ सबको निकाल दिया, जैसे आप देख सकते हो पूरा खाली हो चुका है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ऊपर मेरा घर था, तो ये जो गोलम स्पॉन्स कर रहे थे, आपको ही पता है जो फार्मर होते हैं यहाँ के विलेजर्स के, वो गोलम को स्पॉन करते हैं। ओके, तो वो सीधा मेरे घर पे स्पॉन हो रहे थे, और जो ये कैट्स को स्पॉन कर रहे थे वो भी सीधा मेरे घर पे ही स्पॉन हो रहे थे। तो यार उसके चक्कर पे मुझे इनको शिफ्ट करना पड़ा। मैंने इनके लिए एक और रूम बना लिया है जहाँ पे मैंने इनको शिफ्ट किया, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है? वो थोड़ा सा अजीब सा रूम है, और क्या करूँ यार इनको करना पड़ा शिफ्ट। अब मैं देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ। शायद मैं यहाँ पे एक अपना बड़ा सा स्टोरेज रूम बनाऊँ, और मेरे को एक और चीज़ दिखानी है आपको, तो चलो वो भी देखते हैं। तो शायद यार आपको पता होगा जो मैंने पिछला एक्सपी फार्म बनाया था, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो जाके देख लो, वो भी अच्छे से वर्क नहीं किया मेरे में, वो शायद मेरे कुछ वर्जन में प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे एक और स्पॉनर एक्सपी फार्म बनाया, जहाँ पे ये जो मैंने स्पॉट लगा रखी है, बस आपको ये स्पॉट ग्रैब करनी है और यहाँ पे इनको मारना है। बस आपको यहाँ पे कुछ मिनट खड़े होना पड़ता है जिससे ये आ जाते हैं। ओके, क्योंकि नीचे स्पॉनर है, स्पॉनर बंदों को देख के आ जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लूट मिलती है। ओके, आपको यहाँ पे ट्राइडेंट वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, मुझे यहाँ पे ट्राइडेंट बहुत सारे मिले हैं। तो इस पर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा छोटा सा था, तो मैंने सोचा कि यार इस पर वीडियो बनाने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, तो मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। ओके यार ये काफ़ी सिंपल सा था, ये आप यूट्यूब पर सर्च मारो आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, तो चलो यार हम सीधा बनाते हैं अपना शुगर केन फार्म, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ओके लेट्स गो। तो गाइज ये रहेगा मेरा एरिया, ये जगह पे बना देता हूँ मैं अपना शुगर फार्म, क्योंकि ये थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैं यहीं पे बनाऊंगा अपना शुगर फार्म। उसके लिए मैं ले लेता हूँ थोड़ी सी स्टोन्स वगैरह। ओके कौन सा लूँ? ओके ये वाला स्टोन ले लेते हैं हम सिंपल। इसके लिए आपको चेस्ट वगैरह भी लगेगा, ऑब्जर्वर भी लगेगा, हॉपर भी लगेगा, और पिस्टन भी लगेगा। आपको यहाँ पे स्टिकी पिस्टन नहीं चाहिए, आपको सिंपल वाला पिस्टन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे को 8 लेने हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा वाला बना रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे लोग 5-5 वाला बनाते हैं, तो वो काफ़ी छोटा हो जाता है, तो मुझे 8 वाला चाहिए रहेगा। तो ये तो मैं लगा लिया है 8। ओके, तो ये रेडी है। अब मेरे को ऊपर जो है एक और लगाना होगा जहाँ पे मैं पिस्टन्स को रखूँगा। ओके, तो पूरा आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल, आप देखते रहिए, पूरा हो जाएगा जल्दी ही। ओके, तो यहाँ पर लगा दिया, तो मैंने इसे कर लिया है 2x8 ऊपर 2 रूट। अब यहाँ पे मेरे को लगाने हैं पिस्टन, तो देखो ये स्टिकी पिस्टन नहीं है, यहाँ पे सिंपल पिस्टन लगाने हैं। ओके, तो चलो पहले मैं नीचे स्टोन्स रखता हूँ यार। ओके, तो इसे जल्दी जल्दी से मैं करके आता हूँ, आप वीडियो एंजॉय करते रहो। तो गाइस ऑब्जर्वर जब आप लगाओ तो जो उसका लाल सा डॉट आता है पीछे को होना चाहिए, और जो उसका मुंह होता है वो आगे को होना चाहिए। ओके, तो जो है आपका ऑब्जर्वर अच्छे से वर्क करेगा। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने लगा दें यहाँ पे सारे ऑब्जर्वर, और फिर जो है मैं आगे का भी बिल्ड स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे थोड़े ऑब्जर्वर नीचे करके, क्योंकि मैंने पहले थोड़ी सी गलती कर दी थी। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी से इसे लगाता हूँ, जो 2 ही तो रह 3 रह गए 3। ओके, ओ लो मैंने फिर से एक नीचे लगा दिया गलती से, सॉरी सॉरी, मुझे फिर से उसको लाना पड़ेगा, लेके आते हैं यार इसको भी। तो यार यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिंपल सा फार्म है। ओके, तो ये चलो पूरे तरह से लग चुके हैं, अब बाकी के प्रोसेस देखते हैं।
ओके तो यार फाइनली हमारे पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो में शीशे दिखाए थे मैंने जैसे लगाया था, मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया और ऊपर से आपको रूफ जो है थोड़ी सी ओपन रखनी है जहाँ से उसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके। और यहाँ पे आप मेरी ये देख सकते हो जितने सारे शुगर केन जो है मेरे पास यहाँ पे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4.5 स्टैक हो चुका है मेरे पास। ओके और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आगे पीले शीशे लगा दिए हैं जस्ट फॉर स्टाइल की थोड़ा सा अच्छा सा लगे। ओके तो ये काफ़ी अब अच्छा दिख रहा है। ओके तो बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही था और मेरे को आपको एक और चीज़ दिखानी है, पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यार जैसा मैंने कहा था आपको फार्म दिखा सॉरी घर दिखा जहाँ पे मैंने इनको विलेजर्स को शिफ्ट किया है और यहाँ पे लैग देखने को हमको बहुत मिलता है। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना लैग हो रही है गेम मेरी। तो चलो हम आ चुके हैं यहाँ से सीधा नीचे और खोलते हैं यहाँ पे दरवाजा और मेरी गेम बहुत लैग कर रही है विलेजर के कारण। और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे 12 विलेजर्स रखे हैं अभी, तो बाकी मैंने मार दिए पता नहीं क्यों। मेरे पास टोटल 20 थे और यहाँ पे मैंने कुछ क्रेट्स रखे हैं, एक एम्ब्रेल की सेक्शन है और ये एक पेपर का सेक्शन है क्योंकि यार ये ज़्यादातर एम्ब्रेल और पेपर ही करते हैं। तो यहाँ पे फिर से दरवाज़ा खोलते हैं और चलते हुए मैं बाहर क्यों जा, फिर से बंद हो गया, खुल जा सिम सिम। ओके फिर से बंद हो गया। ओके तो फाइनली हम बाहर आ गए। तो यहाँ पे बाहर जाने का ये जगह है। ओके तो यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं और इसके साइड में अंदर जाने का भी है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो फिर हम मिलते हैं किसी और दिन इस और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।